हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। किससे? टाइटल थंबनेल मैंने ऐसा लगाया नहीं है जिससे आप पता लगा सके, तो दिखाती हूँ मैं आपको किससे मिलवाने वाली हूँ। कौन हो सकता है वो? अब दिखाऊं? टन 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 टन, नहीं दिखा रही। अच्छा दिखाऊं? हेलो गाइस, मेरा नाम है टेडी और मैं इनके घर का न्यू मेंबर हूँ। मजाक कर रही थी। अब आ रही है वो घड़ी। घड़ी नहीं, घड़ी तो लगी हुई है घर में। समय, समय जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो जिसको हम सच में लेके आए हैं। तो दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं उसको लेके आ गई हूँ। ये देखिए, थोड़ा बहुत झलक तो आपको दिखी गई होगी। ये है हमारा न्यू फैमिली मेंबर। इसकी बेल इधर साइड में आ गई है। सही करो भाई, इसकी करो बेल? इसकी बेल सही, हाँ बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। तो भाई ये हमारा न्यू फैमिली मेंबर है। इसका नाम है जॉय। जॉय, हाँ खुजली करो, खुजली करो। तो अभी इसको आए हुए 3 दिन तो हो चुके, इसको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। और पहले दिन तो बहुत ज़्यादा ये नर्वस था, हमसे मिल ही नहीं रहा था, पूरे टाइम ये सो रहा था। दूसरे दिन थोड़ा बहुत हमें पहचाने लगा। आज तो बहुत शरारत कर रहे हैं। अभी इसको नींद आ रही है, मैं नींद से उठा के ले आई हूँ अभी इसको। देखिए देखिए क्या कर रहे हैं। देखो पूरा दिखाऊँ आपको ये? अच्छा पूरे एंगल से दिखाती हूँ। अभी इसका फेस ही फेस दिख रहा है। कोई ये रहा हमारा जॉय, देख सकते हैं, कर रहा है ये एंजॉय। जॉय इज एंजॉयिंग। तो भी ये हमारा, ये फटकता हुआ होता है गोदी से, ये खराटे ले रहा था। अभी इसको नींद आ रही है बहुत ज्यादा। आपको हम बता दें कि ये गोदी में अब नहीं आता, 2 दिनों से गोदी में सोता है। लेकिन 2 दिन से ये गोदी में सोता है हमारे, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये मेरे गोदी में टिक ही नहीं रहा ना, इसके गोदी में टिक रहा है। नीचे ही जाना चाहता है टाइम। अभी तो टिक रहा है लेकिन कैमरे के सामने पता नहीं क्या हो गया। शायद ये नींद आ रही है इसलिए। इसलिए देखो नींद आ रही है इसको। देखो सो भी गया, सो भी गया। ये खरगोश लगेगा। लीजिए खरगोश, ये खरगोश देखो, खरगोश खरगोश। मत करो मत करो, नहीं खरगोश नहीं है, मत करो। तो भाई इसके साथ साथ हम कुछ इसका सामान भी लेके आते हैं, वो लेके आए हैं, वो दिखा देते हैं आपको। सो गाइस, सबसे पहले इसका खाना दिखाना चाहूँगी मैं आपको। तो ये भाई इसका खाना है। और वैसे भी अगर इसको 3 दिन आए हुए हो चुके हैं तो फिर हम खाना इसका खोल चुके हैं। इसके खाने का नाम है पेडिग्री प्रो न्यूट्रिशन। एंड ये मदर, देखो बीच में देखो, खाने की खुशबू सूख के तुरंत आ गया ये। अब मुझे भाई खाना तो दूर रखना पड़ेगा क्योंकि देखो देखो जॉय कम अभी सो रहा था इधर ये, और ये खाने की खुशबू सूंघ के देखो क्या कर रहा है। मैंने दूर रख दिया खाना, देखो इतना ही दिखा सकती हूँ आपको। और ये है इसका सेरेलैक, ये जो बेबी वाला सेरेलैक होता है ना वही है। पता है क्या हुआ था कि देखो दूर भाग भाग, वहाँ जा रहे इधर आ रहे। एक काम करो तुम यहाँ मेरे गोदी में बैठो, चलो यहाँ बैठो। हाँ अरे भाई रुक जा, नहीं रुक रहा, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, इसके नाखून बहुत लग रहे हैं। हाँ भाई रुक जा रुक जा, चल रुक जा, मुझे दे दो, रुक जा रुक जा, तेरे तो और रुकने वाले ये। ठीक है तो ये ना सुबह सुबह, इसने रात में तो खाना खा लिया, जब ये पहले आया था इसने रात में खाना खा लिया था, फिर दिन में हमने इसको खाना दिया। सुबह सुबह खाते हैं, 4 बार इसको देना होता है खाना। तो सुबह सुबह जब इसको खाना था तो इसने खाया ही नहीं, पेडिग्री दिया इसने खाया ही नहीं। तो बहुत देर तक इसने नहीं खाया, सबने ट्राई कर लिया खिलाने का पर इसने नहीं खाया। तो फिर शॉपकीपर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि सुबह सुबह ये सेरेलैक खाता है। फिर पापा सेरेलैक लाए, फिर इसने सेरेलैक खाया। अरे भाई इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये चला गया है। अब फिर से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं जो हम दिखा रहे थे। तो एक हमने इसके लिए पेट बाउल लिया है, एक ही लिया है अभी, जब ये बड़ा हो जाएगा तो 2 बड़े वाले ले लेंगे। अभी तो ये स्मॉल साइज का है तो इसको कम ही देना होता है खाना इसलिए। तो ये है इसकी दवाइयाँ। एक छोटे से बच्चे को दवाइयों की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इस दवाई का नाम है इम्यून, उसका है इम्यून बूस्टिंग सिरप फॉर डॉग्स। ये इनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इसको हमें देना होता है 2 ml देना होता है। एंड ये है स्काईकॉल पेट लिक्विड। और ये उसके जो डॉग्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्गर बोन्स, मतलब हड्डियों और दांतों को अच्छे से मजबूत करने के लिए
और उनका विजन अच्छा रहे इसलिए दिए जाते हैं। तो ये भी दी जाती है 2 ml, और ये है इसका पेट अप ड्रॉप्स। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है पपीज एंड किटन्स में, यानी किटन्स के लिए भी है। इसका नाम है पेट अप ड्रॉप्स। ये दिया जाता है 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। ये सारी भी जितनी भी मेडिसिन हैं ये 5 ट्वाइस अ डे दी जाती है, यानी 2 बार दी जाती है दिन में। और फिर आते हैं इसका ये गट वेल का पाउडर, सप्लीमेंट फॉर पेट्स। ये इनकी डाइजेशन इम्प्रूव करता है, और इसको देना होता है हमें जब भी ये खाना खाए उसमें पाउडर, खाने में ये पाउडर थोड़ा सा एक चुटकी मिला के दिया जाता है। तो ये भाई 3 बार तो खाना खा चुका है, लास्ट टाइम बचा है, तो लास्ट टाइम जब ये खाएगा इस दिन में तो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये है हिमालय का डाइजीटोन ड्रॉप्स, डाइजेस्टिव स्टिम्युलेंट है। ये भी 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे दिया जाता है। और इसमें है एक इसका टिक फ्री वाला एक पाउडर है, तो जिससे इसके बालों, इसके मतलब शरीर पर कुछ हो ना, जैसे मतलब जो भी कहते हैं उसे, टिक को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये हफ्ते में एक बार डाला जाता है, मतलब 1 time in a week। और इसके यहाँ 4, इसकी एक इमरजेंसी के लिए भी है, जैसे अगर इसे लूज मोशन हो जाए या फीवर हो जाए या फिर इसके कहीं दर्द होने लग जाए, पेन होने लग जाए या वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाए, इसके लिए ये सब। भाई ये तो मैं आपको दिखाने नहीं वाली हूँ। और इसका एक टॉय है, क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं तो तभी इसको दिया गया ताकि ये चबाए इसको, क्योंकि हमें पता है ये बहुत चबाता है चीज़ों को, इसको तो जब ये चबाता है हम इसके मुंह में डाल देते हैं इसको। और एक और चीज़ भी है इसकी, एक ड्राई बाथ शैम्पू भी है, वो मैं नहीं दिखाई अभी, नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने उससे उसे नहला दिया था। एक फर्स्ट बाथ तो ये ले चुका है, बिकॉज ये जिस दिन आया था उस दिन इसमें से मतलब बहुत बुरी सी स्मेल आ रही थी, तो दूसरे दिन इसको हमने नहला दिया था। और ड्राई तो अब ये पूरे 4 डेज के बाद नहाएगा, क्योंकि इसका ये 3rd day है घर में, तो 4 डेज के बाद जब ये नहाएगा तो हम इसको इसका पार्ट भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, ये सारा सामान हम लेके आए थे, अब देखते हैं कि वो कर क्या रहा है इस टाइम पे। तो भाई ये हमारा जो है, जब लेटा हुआ था हम लोग आ गए, तो ये इधर आ गया है। तो भाई अभी तो हम इसको घुमा के लाए हैं खाना खाने के बाद, अभी इसको लगता है सोने का मन कर रहा है, अभी हमें बेड चला गया। अभी तो इसका बेड ऐसे बना दिया हमने, क्योंकि मार्केट में बेड इसका था नहीं, इसलिए अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो कल परसों में इसका बेड भी आ जाएगा। तो अभी तो ऐसे इसको कोई सेटअप बना रही है, तो वही सो जाता है ये, लेकिन अभी इसका कल परसों में बेड जो है, सो रहे हो? अच्छा सो, जब ये सो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे कितना क्यूट है ये। सो गाइस देखिए सोते टाइम, ओ शिट, उठ गया। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए इसको क्या थोड़ा सा बहुत देर से सोने लगा, 5 मिनट हो गए इसको सोते सोते, थोड़ा वीडियो बनाने के लिए क्या मैंने कैमरा ऑन किया तो उठ गया यार। चलो फिर से सो जाता, तब दिखा देंगे अच्छे से, तब मैं ज़्यादा शोर भी नहीं करूँगी, मतलब बोलूँगी नहीं, दिखा दूँगी उसके बाद फिर बता दूँगी कि सो रहा था। सो जाओ जॉय, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, जब आपके कैमरे के सामने ही सो जाएगा। देखिए इसके अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी इटिंग करें या खुजली करें तो इसको अच्छा लगता है, तो सो जाता है। देखिए सो गया, देखिए सोते टाइम बहुत क्यूट लगता है, इसके सोते टाइम पोजीशन भी बदलती रहती है, कभी अलग पोजीशन में सोएगा, कभी अलग पोजीशन में सोएगा, तब तो ये आपके सामने ही सो चुका है, तब भी देख लिया कैसे सो रहा है। और अब जब ये खाना खाएगा तो मैं दिखाऊंगी मैं इसका खाना कैसे बनाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं जॉय का खाना तैयार करके रख दिया, मैंने पेडिग्री के 16 दाने लिए हैं, मैंने गर्म पानी में रख दिया जिससे फूल जाए और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, जिससे ये मैश हो जाए। तो इसको मैं दही में मिला के इसको दूंगी, क्योंकि जॉय को दही बहुत पसंद है, तो दही में मिला के दूंगी, और शॉपकीपर भी दही मिला के इसको पेडिग्री देते थे, तभी मैंने डाल तो दिए हैं, तो जब ये फूल जाएंगे तो मैं दही मिलाऊंगी इसे। और एक बंदा पहले से आ चुका है खाना खाने के लिए, जॉय आपको खाऊंगा मैं ये। यहाँ पे मैंने वो जो दाल में भिगाए थे वो दही में मिला दिए हैं, अब मैं डालूंगी यहाँ जो पाउडर मैंने आपको दिखाया था, एक चुटकी डालना है, जब भी खाना खाए उसमें डालना है इसको, तो डालते हैं हमें फपा डालना है। इसे स्पून रहती है तो उसमें से एक चुटकी निकालते थोड़ा सा पाउडर इतना और डाल देते हैं, हम एक करके इसको खिला देंगे। ओके गाइस चलिए खाना खाना आया। ओके भाई ये दही वाली है, अरे मत बोल बीच में, आ गया गाइस, मम्मी पापा और यहाँ सब बातें चल रही हैं, और ये खाना आपका कंटिन्यूअसली खत्म कर रहा है। देखिए इसको दही बहुत पसंद है, क्योंकि दही से इसका पेट ठंडा रहता है। ये कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी जल्दी, इसकी लास्ट मिले इसके बाद ये कुछ नहीं खाएगा, इसके बाद ये सो जाएगा दवाई पी के। अभी आपको दिखाएंगे ये दवाई पीने में कितने नखरे करता है, हां बहुत नखरे करता है दवाई पीने में। ठीक है तो खाने में देते हैं इसको इसका खाना, कब चेक कम अरे भाई हम मुझे चेक कम भैया, ये तो सो गया, इतना ज्यादा लेजी कौन हो सकता है भी, ये तो मोबिता से भी ज्यादा लेजी निकला यार। मोबिता मैं भी तो कहते थे बोला बोला से आते जाते हैं, तो मोबिता ओ अब कम कम देखो कितनी मेरी में चल रहा है, चलो जॉय कम कम जॉय एकदम, देखो पता नहीं क्या कर रही है, उधर ही सुनता नहीं है कोई बात, ये क्या कर दिया ओ ये क्या किया जॉय ने, ये जॉय ने क्या कर दिया, देखो देखो कम जॉय, अरे जॉय अरे जॉय सुनता भी है कुछ, देखो कहाँ जा रहे हैं, अरे भाई रुक जा कहाँ जा रहा है, ये देखो इसको उठा के वॉक करनी पड़ती है, चलो अब चलो अब
आओ जॉय कम कम जॉय। देखो इतना लेजी डॉग है, ये घर की तरफ भाग रहा है बार बार। रुक जा भाई, आपको हम बहुत जरूर कराएंगे। यहाँ पे पापा सबसे पहले इसको डाइजी टोन पिला रहे हैं, जो कि फाइव ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे था। देखो लो और देखना अभी कितने नखरे करेगा। पी लिया, पता चल चुका है कि अब हमें दवाइयों की बहुत छाल लगने वाली। अभी शांति से बैठा है, अभी कहते हैं दूसरी दवाई। आप पिला रहे हैं स्काई कॉल पेट लिक्विड। यस स्काई कैल, हम कॉल बोल रहे हैं, पापा ने सही प्रोनाउंसिएशन बताया इसका। और इसको 2 ml ट्वाइस अ डे, ये पिंक कलर का पिंक। अभी देखो ये कितने मस्ती से सो गया यार, इतनी देर में सो जाते हैं। अभी देखना ये वाली सिरप पीने में बहुत ज्यादा मतलब नखरे करता है। बहुत पीते नहीं, गिरवा देगा ये। कम ही इधर देखिए गाइस, ये कितने कितने जैसा अब देखो फिर कितने ड्रामे करेगा ये, थूक देगा फिर उगल देगा। खुद को पिंक कर लिया, पापा को भी पिंक कर दिया। पकड़ो इसको, मैं पकड़ लिया तो पी लिया। मैं पिलाई वैसे मेरी वाली गाइस ये सो चुका है, ऑनलाइन में बोल रहा है क्योंकि ये उठ गया तो फिर हमें परेशान करेगा रात में। सो गाइस अभी तो मैंने सिर्फ इसकी एक शॉट डाल दिया, बट कल इसकी एक फुल वीडियो जरूर आएगी। आने के बाद इसकी वैक्सीनेशन वीडियो आएगी, तो वैक्सीनेशन वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, बट जरूर आएगी, तो कल जरूर देखना इसकी फुल वीडियो। सो गाइज ये तो सो ही चुका है, अभी भी हमें भी सोना है, तो और है अभी 11। तो इसके साथ खेल खेल के हम भी थक चुके हैं पूरे दिन में। सो गाइज ये था हमारा व्लॉग हमारे न्यू फैमिली मेंबर जॉय द लैब्राडोर का। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको इसके डेली व्लॉग्स चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 200 सब्सक्राइबर्स का एम है, और अगर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं बनाऊंगी हॉन्टेड या हॉरर ब्लॉग। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।